आप इस कार्यक्रम में, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते, अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए, आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा, मैं आपकी आपकी तारीफ करूंगा। अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए, रोहित सरदाना मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप दो दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप इस आज तो जी दिक्कत क्या है ना, नहीं, हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज वाजपेयी की नौकरी क्यों गई, अब अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई, खांडेकर की नौकरी क्यों गई सर? क्या अभी आशुतोष जी एफआईआर दर्ज करने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे, और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि दो साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से, वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर? तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर, उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में, कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पर होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो, और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया, उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है, ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो, पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। चुनाव बहुत खतरनाक है और चुनाव आयोग की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूं। हाँ, जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए, कुछ न्यूज एंकर ने कुछ मालिकों को भी मंत्री बनाना चाहिए, उनको कैबिनेट और न्यूज एंकर को कम से कम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना, फलाने को मंत्री बनाने के लिए मेरे से फलाने ने कहा है, उस फलाने को मंत्री मत बनाना क्योंकि उसके लिए मेरे से उस फलाने ने कहा है। तब ना मंत्री बनाए उनसे, न्यूज रूम से बनाए गए उनसे, जब मंत्रिमंडल उनके दफ्तर में बैठ के बनाए जा रहे थे, डिसाइड हो रहे थे, और वो वहां बगल में बैठ के अपना छापाखाना चलाते रहते होंगे कि रात में क्या क्या भाषण देना है मुझे जाके। तो भाई साहब कुछ लोगों के साथ क्या है ना दिक्कत है। आपको मालूम है अकबर रोज सुबह उठता था, उठने के बाद अपने किले के सबसे ऊंची बुर्ज पर जाता था और वहां से सूर्य को पानी का अर्घ्य देता था। मुझे नहीं पता आशुतोष जी आप उस वक्त वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे कैमरा लेके, मुझे नहीं पता सर, मैंने नहीं देखा आपको उस वक्त वहां से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कि सूर्य अकबर को पानी दे रहा है और आशुतोष टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं, मैं हूं आशुतोष आज तक के लिए आपको दिखा रहा हूं। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए। अच्छा। वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो जो जिस तरीके अच्छा। से तो देखिए एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की, कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर। नहीं नहीं, सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे
कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। आजादी के लिए क्या किया मैं बताता हूँ, मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी के लिए? पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल। मैंने तो पूछा ही नहीं सर, आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया तो आप भाग जाएंगे उठ के यहाँ से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। बता रहा हूँ हरीश पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की उन्होंने क्या किया था। भारतीय जनता पार्टी के दलाल ना बनिए। आप सुनिए, ऐसा है ये दलाली इत्यादि का काम आप अपने तक सीमित रखिए, भारतीय जनता वरना फिर भागते घूमेंगे पुलिस से। बता रहा हूँ आपको, सामने भगोड़े थे, भगोड़े की तरह फिर भागते घूमेंगे, ढूंढते घूमेंगे पुलिस आपको। इसलिए अपनी जुबान को थोड़ा लगाम रखिए, टेलीविजन पर बैठे टेलीविजन की तरह बात करना सीखिए। आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है ये, जहां एक दूसरे से जैसी भाषा में बात करते हैं वैसे बात करेंगे। पहले तमीज बनाइए पहले। आप